हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए हम लोग देखते हैं एफएसटी 09 का पहला सवाल। कह रहा है इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन टाइप है, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजर होता है होल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर। ठीक है, एन और एन टाइप बनते कैसे हैं, एन टाइप बनते हैं क्या वो करते हैं डोपिंग, जब पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं तो एन टाइप का बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर, ये तो सही है स्टेटमेंट यहां तक। ट्राइवेलेंट एटम आर दो। ठीक है, ट्राई नहीं पेंटावेलेंट। ठीक है, इसके वजह से यह स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट क्या है, गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, जबकि क्या होता है मेजोरिटी। स्टेटमेंट सेकंड भी कैंसिल। होल्स आर माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होगा तो होल्स माइनॉरिटी होगा, ये तो स्टेटमेंट सही है। पेंटावेलेंट एटम आर डोप, और पेंटावेलेंट एटम डोप करने से हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर थर्ड। इसमें बोल रहा है होल्स आर मेजोरिटी, जबकि होल्स क्या होना चाहिए माइनॉरिटी, तो ये भी कैंसिल। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई इतना एंड इतना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू के पावर 1/3 के बराबर रखते हैं। इसका कितना दिया है 27/1/5 के पावर 1/3, इसका कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5 कोई आंसर बन रहा है, 3/5 के फॉर्म में नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम इसमें ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी 2 डिवाइड होकर 1 ही हो जाएगा, तो 3 × 6 और 5 × 10, तो ये क्या लिख सकते हैं 6/10, ये हम लिख सकते हैं। अभी भी इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 3:5 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट सेलेक्ट आउटपुट वाई कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन फिगर। कौन सा गेट है नैंड गेट, कौन सा गेट है नैंड गेट। ये क्या करता है 1-1 पे 0 देता है, बाकी सब पे 1, 0-1 पे 1, 1-0 पे भी 1 और 0-0 पे भी 1 देता है। ठीक है, ये हमारा ट्रूथ टेबल इसका होता है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम ए और बी को सबसे पहले क्या रखें, ए और बी को इसको 0 और 1 रखें, तो 0 और 1 पे ये क्या बन जाएगा 1, तो यहां भी 1 यहां भी 1, ये क्या है 0 ये क्या है 1, और 1-1 पे क्या देता है 0, 1-1 पे क्या दे देगा 0, और 1-0 पे क्या दे देगा 1-0 पे हमारा 1, और 1-0 पे क्या हमारा देता है 1 के बराबर, तो पहले के लिए कितना आ जाएगा 1, इसमें क्या है 0, इसमें भी 0, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम इसको रखें क्या, अगर हम यहां पर रखें 1-1 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1-1 पे क्या देता है 0, तो ये 0 तो ये 0 ये 0, 1-0 पे क्या देगा 1-1, और ये 1-1 पे क्या दे देगा 1-1 पे 0 के बराबर, तो जब हम रखेंगे 1-1 तो ये क्या दे देगा 0, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये कैंसिल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं 0-0 पे रखते, ठीक है 0-0 पे भी रखते चेक कर लेते हैं एक बार, ये 0 ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, और 0-0 पे क्या दे रहा है 1-1, 1-0 पे 1-1 तो 1-1 पे क्या दे देगा 0 के बराबर, तो इसका भी क्या आ जाएगा 0, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हाँ? देख लो एक बार। नेक्स्ट
कर रहा है, रिलेशन बिटवीन पी वी एंड ई फॉर ई टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई इज इक्वल टू 3/2 पी वी के बराबर। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ई के बराबर। हमसे पीवी बराबर पूछ रहा है कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ई के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देख लो पर अच्छे से। नेक्स्ट, टू वेव रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम। ठीक है, ये हमें दिया है इक्वेशन दो, हमसे इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, I1 upon I2 is equal to A1 amplitude 1 omega 1 upon A2 omega 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, A1 omega 1 square के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A1 omega 1 के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ इसको हम अगर रिप्लेस करें तो हमारा एम्पलीट्यूड पहले के लिए कितना है, यहाँ पे 5 into ओमेगा कितना है 2π into 75 अपॉन इसके लिए कितना है एम्पलीट्यूड 10 into इसके लिए ओमेगा कितना है, ये है 2π into 150, 2π से 2π कैंसिल, 5 × 2 = 10 और ये कितना हो गया 75 × 150 और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंदर कितना बच गया, ये अंदर हमारा बच गया 1/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/16 के बराबर, 1:16 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया 4। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, an organ open pipe closed at one end. The resonates with tuning forks of frequency itna hertz diya hai. ठीक है? What will be resonance tuning forks frequency? ठीक है? इसमें closed organ pipe में frequency का ratio क्या होता है? Frequency 1:N1, N2, N3. ये क्या चलता है? Odd number 1, 3, 5, 7 ऐसे 9 ये हमारा होता है. ठीक है? Dot dot हमें दिया है एक का, ठीक है, कितना 180, तो हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगी फिर रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, अगर इसकी जगह पे 1 रखें 180 × 1 180 ही आएगा, अगर 180 × 3 तो ये कितना हो गया 58 × 54 540। ठीक है, थर्ड की वजह से, अगर फिफ्थ की करें तो 18×5 = 90, अगर फिफ्थ की वजह से देखें 1/8 × 5 तो ये कितना हो जाएगा 18×5 = 90 900। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मैच कर रही है, कौन सी कर रही है 540 हर्ट्ज। देख लो नेक्स्ट, करा द एस्केप स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज इतना। ठीक है, एस्केप स्पीड इतनी, ए बॉडी प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस द स्पीड। ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू होगी अंडर रूट v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हमारी स्पीड निकालनी है। ठीक है, इसकी कितनी गुनी हो रही है 3 times, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, इसके वेलोसिटी कितनी हो रही है 3 times, तो ये कितना हो जाएगा 3v² - v² तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 9v² - v² तो ये हमारा हो जाएगा v अंडर रूट में 8 के बराबर, ये 11.2 × √8 मतलब 9 अगर होता है तो 3 होता है, तो 3 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो 2.89 के आसपास मान ले, मल्टीप्लाई करा है तो 11, अगर 3 होता तो 11 = 33 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, 31 point something, 31.7 की
किलोमीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा पर, देख लो। नेक्स्ट ए सैटेलाइट रिवॉल्व अ वेरी नियर टू द अर्थ रेडियाई इतना द टाइम पीरियड, ठीक, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, मतलब एच हमारा क्या होगा, एच टेंडिंग टू जीरो के बराबर होगा, ठीक है, बहुत पास है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आर ई का क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर, ये 2 पाई, ठीक है, आर ई स्क्वायर गए, ये बच गया, तो टी स्क्वायर टू कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के बराबर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सेटेलाइट का 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के बराबर, देख लो। नेक्स्ट अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉर्थवर्ड, ठीक है, एक ऐसे मूव कर रही है कितने से, वी वेलोसिटी से, ठीक है, कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, ईस्ट में कितने से जा रही है, ये भी वी से, ठीक है। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो इन दोनों का मास क्या हो जाता है, आफ्टर कोलिजन द मास ऑफ टू पार्टिकल कोलाइड्स, ठीक है, ये दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाले तो इनका क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 वेलोसिटी v रूट 2 और मास कितना है m, ठीक। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, एक सिस्टम, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m, वेलोसिटी हमने मान लिया v डैश इक्वल टू किसके बराबर होगा m v रूट 2 के बराबर, m से m कैंसिल, v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा v बाई रूट 2 बाई 2, तो v बाई रूट 2 के बराबर, ठीक है, और कहां जाएगा v बाई रूट 2 के बराबर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, देख लो। नेक्स्ट ईएमएफ इतना हमें दिया है, ठीक है, अप्लाई अक्रॉस सर्किट एंड करंट इज इतना, देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर हमसे पूछा है, ठीक है। फेज डिफरेंस यहाँ क्या है, फेज डिफरेंस दोनों का फेज डिफरेंस जीरो के बराबर, तो पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई इक्वल टू, ये पावर फैक्टर हमारा होता है कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई की वैल्यू कितनी है कॉस जीरो, ये क्या हो जाएगा वन के बराबर, तो पावर फैक्टर इसका क्या हो जाएगा वन के बराबर, देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट कर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड, ठीक है, कितनी होती है एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर, ठीक है, हम पढ़े हैं v इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन म्यू नॉट एन, यहां इसको रिप्लेस कर दें तो ये कितना आ जाएगी एनर्जी हाफ एल और v अपॉन म्यू नॉट एन का स्क्वायर, ठीक है। l इक्वल टू कितना होता है, ये हमारा होता है म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ए एल के बराबर, ये इसका फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, यहां पे पुट कर दें तो पुट करें तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 एल की वैल्यू रखें म्यू नॉट, ये म्यू नॉट होता है, ये जो हमारा होता है एल स्क्वायर टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के बराबर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर
एन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एन से एन स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल, तो ये बचा कितना, ये बचा बी स्क्वायर बाई टू नीचे बटा म्यू नॉट, और ऊपर क्या बचा ए एल के बराबर, ये हमारा हो जाएगा। एनर्जी कितना स्टोर करेगा, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट ए एल के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड देख लो। नेक्स्ट कर, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ऑन इट सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू के, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q चार्ज नहीं दिया, पहले चार्ज निकालना है, कितनी दूरी पे है 0.05 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम Q निकाल लेंगे, तो Q कितनी हो जाएगी, यहां से डायरेक्ट KQ निकाले, तो KQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है द फोर्स एक्टिंग चार्ज इतना प्लेस एट ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें फोर्स बताना है इतने चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इतने पे हम पहले क्या कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो ई ये कहां था सरफेस पे, तो ई जीरो इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से हम KQ की वैल्यू निकाल चुके हैं, इतना आया है, कितना आ गया है हमारा KQ वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.05 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। हमें फोर्स बताना है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा Q नॉट E नॉट के बराबर, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, चार्ज कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू ये कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.05 का स्क्वायर अपॉन 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 6 से गया तो यहां कितना बचा 2, ऊपर सॉल्व करते हैं ये कितना होगा 5 इंटू 5 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको करें इसका स्क्वायर तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसका करें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये माइनस 2 से माइनस 2 कितना बचा माइनस 2, नीचे लेके आ गए तो ये कितना हो जाएगा 400 400, तो इसको सॉल्व करें F इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 400, इसको डिवाइड करें ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 टाइम में जाएगा, तो 25 अपॉन 16 कितना हो जाएगा 1.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के बराबर, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा पास देख लो। नेक्स्ट कर, एक कार का मास इतना, एक कार का मास इतना दिया है, वेलोसिटी इतना दिया है किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में करें 18 इंटू 5 बाई 18 ये गया 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हमें ये मिल गई। स्टॉप बाई द ब्रेकिंग ऑफ फोर्स इतना न्यूटन, ठीक है, इतना न्यूटन के फोर्स से उसको रोका जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है, तो ये कौन सा केस हो गया हमारा रिटार्डेशन का, ठीक है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ बाई एम, फोर्स कितना दिया है 1000, मास कितना है 1000, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना से हमारी बॉडी क्या हो रही होगी रिटायर्ड हो रही होगी, ठीक है। द डिस्टेंस कवर बाई बिफोर कमिंग टू रेस्ट,
रेस्ट पे जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर, यानी हमसे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस as, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2a के बराबर। u कितना दिया है, u हमारे निकला है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 * 5 अपॉन 2 * एक्सेलरेशन कितना है 1, तो ये कितना हो गया 25 / 2 इक्वल टू 12.5 के बराबर, 12.5 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ये हमारा क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स, ये कूलम्स और ग्रेविटेशनल ये क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और ये दोनों क्या होते हैं सेंट्रल फोर्स भी होते हैं, ठीक है तो आंसर कौन सा आ जाएगा 4। नेक्स्ट, N1 and N2 moles of two ideal gas are their thermodynamics constant, ratio of Cp and Cb are gamma 1 and gamma 2 respectively. तो मिक्सचर ऑफ सीपी एंड सीबी, मिक्सर गामा का हमें पूछ रहा है, गामा मिक्सर इतना होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है तो रिलेशन क्या होता है N1 plus N2 upon gamma mixer minus 1 is equal to N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1, ठीक है इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 upon gamma mixer minus 1 is equal to इस साइड लेके आए तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 गामा माइनस 1, इसको इस साइड लेके आए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 गामा 2 माइनस 1, ठीक है ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर दें पलट दें, ठीक है इसको पलट दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गामा मिक्सर माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा N1 प्लस N2 गामा 1 माइनस 1 अपॉन N1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा N1 प्लस N2 गामा 2 माइनस 1 अपॉन N2, ठीक है इसको इस साइड लेके आए इसको इस साइड लेके आए तो ये माइनस हो जाएगा गामा मिक्सर इक्वल टू इसमें से पूरे को इससे माइनस करेंगे, ठीक है माइनस करेंगे और इसको गामा मिक्सर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा N1 गामा 1 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन N2 गामा 2 गामा 1 माइनस, ठीक है तो हमें इसको 1 से इधर क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा 4, देख लो। नेक्स्ट, ए सोर्स एंड डिटेक्टर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कहां जा रहे हैं एक दूसरे से दूर, ये सोर्स और डिटेक्टर ये एक दूसरे के दूर जा रहे हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने से जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है जब ये दूर जा रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है हमसे पूछा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नो विंड, विंड कोई भी नहीं है, ठीक है विंड का इफेक्ट जीरो, इफ द डिटेक्टर डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज द साउंड कमिंग फ्रॉम द सोर्स एट विच द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, हमसे सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है तो डॉपलर क्या होता है एफ इज इक्वल टू एफ जीरो बी प्लस माइनस बी यू अपॉन बी प्लस माइनस बी एस के बराबर, ठीक है अब दूर जा रहे हैं तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कब कम होगी जब हम क्या लिखे एफ जीरो वी, इसको क्या करें इसको माइनस और इसको ऐड करें मतलब ये कम हो और ये ज्यादा हो तो हमारा ओवरऑल डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा वैल्यू कम आ जाएगा तो वी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस के बराबर, अब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है घट रही है, ठीक है एफ दिया है हमें कितना एफ दिया है हमें 1950 इक्वल टू एफ जीरो निकालना है, ठीक है
ये कितना दिया है साउंड 340 माइनस ऑब्जर्वर कितना है 10 अपॉन 340 प्लस 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 350 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 330। तो F not is equal to कितना हो गया, F not is equal to हो गया 1950 into 350 upon 330, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बचा 2, तो 2 पॉइंट लगाएं 20, तो ये हो जाएगा 6.06 के अप्रॉक्स, इससे मल्टीप्लाई कराएं 0.06 के 0.06 और इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2070 के बराबर, ठीक है, इतना हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो 1.06। नेक्स्ट ए बॉडी फ्लोट इन 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, ठीक, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, कितना आउटसाइड फ्लो कर रहा है 1/3, तो अंदर कितना होगा 2/3, ठीक है, वेट कितना हो जाएगा 2/3 वी रो जी के बराबर, ठीक है, फिर कह रहा है 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड एनदर लिक्विड, ठीक है, एनदर लिक्विड का क्या है, आउटसाइड कितना है 3/4, तो अंदर कितना हो गया, डब्ल्यू लिक्विड का कितना हो जाएगा 1/4 वी रो डैश जी के बराबर, ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे 1, और ये दोनों बराबर करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2/3 इस वी रो की वैल्यू 1 जी इक्वल टू 1/4 वी रो डैश जी, ये वी से वी रो जी से कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो रो डैश इक्वल टू कितना आ गया 8/3 ग्राम पर सीसी के बराबर, देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्या है, इन ए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द स्लिट, ठीक है, लाइट कैसे गिरती है म्यूचुअली पैरेलल और स्लिट के क्या होती है नॉर्मल या परपेंडिकुलर, नॉर्मल को ही क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, स्लिट के परपेंडिकुलर और म्यूचुअली रे कैसी होती है पैरेलल, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट Which of the following situation Doppler effect will appears? किसमें Doppler effect होगा? ठीक है? पहला कह रहा है listener and source sound are rest, दोनों rest पे हैं। तो ये क्या होता है? F is equal to F zero V plus minus V O upon V plus minus V S, ठीक है? ये दोनों rest पे हैं। ये zero हो गया, ये भी zero हो गया, ठीक है? तो F is equal to क्या आ गया? F not के बराबर, ठीक है? जब दोनों फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होती तो डॉपलर इफेक्ट शो नहीं करता, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, अगर कोई भी दो पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो भी उसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज क्या होगा, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, तो इसमें भी तो हमारा डॉपलर इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। इन बोथ केस कह रहे क्या है, दोनों केस में डॉपलर शो करता है नहीं, ये इन नन ऑफ द अबव केस, ठीक है, डॉपलर ए में से किसी में शो नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट एसन बोहर एटॉमिक मॉडल कैन बी अप्लाइड फॉर एवरी एटम, ठीक है, सारे एटम के लिए, जबकि बोहर्स ने क्या बताया था
केवल वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, वन इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा उसके लिए वैलिड है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। तो क्या है सबके लिए, सब एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा एसर्शन क्या है, फॉल्स। एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कंटिन्यूअस, हमेशा सेम रहता है, ऐसा नहीं है। हमारा हर सेल नंबर जैसे जैसे चेंज होता है, हमारी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। लोअर से हम क्या, लोअर से हायर में जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये रीजन भी क्या है, फॉल्स। एसर्शन भी क्या है, फॉल्स। तो बोथ एसर्शन रीजन क्या है, फॉल्स। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, ए बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी हमें इतनी दी गई है। मूविंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्टॉप इन ए डिस्टेंस इतना, वाई डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो हम पढ़े हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, एक्स। वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कितना हो जाएगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई का। तो फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई के बराबर, एक्स बाई वाई के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज इतना वोल्ट लाइन टू डिलीवर इतना एंड इतना एट द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इफ द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इतना परसेंट, देन द करेंट ड्रॉ फ्रॉम द लाइन, ठीक है। इफिशियंसी कितनी दी गई है, 80%। तो इफिशियंसी अपॉन 80% में है, इसको सौ से डिवाइड कर दें, इक्वल टू वीएस आईएस अपॉन वीपी आईपी के बराबर, ठीक है। पोटेंशियल सेकेंडरी कॉइल का अपॉन प्राइमरी कॉइल का, करंट सेकेंडरी कॉइल का अपॉन प्राइमरी कॉइल का, रखते हैं वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का 20 इंटू ये कितना है, 120 वोल्ट अपॉन 1000 इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आईपी। ये कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट को हटाए तो ऊपर चला गया, दो और ये दो जीरो, एक तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया, चार और चार तीन 12। तो आईपी इसको टू कितना आ गया, 3 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी इतना, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी ये दी गई है, इफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल ऑफ द मैक्सिमम हाइट, रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट के 2 times, ठीक है। देन रिलेशन क्या होगा, रेंज हमारा क्या होता है, रेंज होता है 2 u sin theta cos u cos theta by g is equal to 2। ये क्या होता है, u square sin square theta by 2g, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है x component, ये कितना होगा, u cos theta के बराबर। ये क्या है, y component, u sin theta के बराबर। रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, b a अपॉन जी इक्वल टू 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, एक बी से एक बी कैंसिल। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू 2a के बराबर, बी इक्वल टू कितना आ गया, 2a के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस
ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्या हो जाएगा आंसर, फोर। नेक्स्ट द फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ठीक है, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी के बराबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा डी फाई होता है डी ए डॉट बी के बराबर, या बी डॉट ए डी टी के बराबर, ये हमारा ये हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इज आर देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस सेंटर ऑफ द कॉइल टू एक्सियल पॉइंट आर रूट थ्री द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है, तो एक्सियल पे कितना होता है, एक्सियल पे हमारा होता है बी म्यू नॉट बाई टू एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के 3 बाई टू के बराबर, ठीक है, तो ये हमें रखना है, ठीक, तो इसको अगर डिवाइड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सियल पे सेंटर अपॉन वो आर प्लस एक्स स्क्वायर 3 बाई टू अपॉन ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर सेंटर, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 बाई टू के बराबर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर कितना दिया है आर ही दिया है और ये कितना दिया है आर स्क्वायर प्लस आर रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के 3 बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस 3 यानी 4 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3 बाई टू, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा इसका रूट 2 और 2 के पावर 3 करें तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8:1 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा 4 8:1 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज क्या होता है जीरो कांस्टेंट हीट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, पहले का सेकंड इसमें है ये दोनों कैंसिल, ठीक है, इसके बाद आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, थर्ड आंसर क्या हो जाएगा 4, सब मैच हो गया है, देख लो। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है, रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन टी टाइम में, टी टाइम में कितना रिड्यूस हो रहा है 3/4, तो बचा कितना होगा 1/4, ठीक है, तो इक्वेशन लिखे u by 4 is equal to u minus a t naught के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद द टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी टिल द वेलोसिटी बिकम जीरो, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, ये जीरो is equal to u minus a t1, ठीक है, ये सेकंड, ठीक, इसको सॉल्व करें तो यहां से ए कितना आ जाएगा, यहां से ए निकाले तो इसको ले आए इधर से घटाएं u माइनस u बाई 4 इज इक्वल टू ए टी नॉट, तो ये हमारा हो गया 3 बाई 4 u और इधर डिवाइड करें तो टी नॉट ए की जगह पे रख दें तो t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू u बाई a और u अपॉन a की वैल्यू कितनी है
थ्री बाई फोर यू टी नॉट, यू से यू कैंसिल, ये ऊपर चला गया, फोर बाई थ्री टी नॉट के बराबर। कितना हो जाएगा टाइम? फोर बाई थ्री टी नॉट के बराबर। कौन सा आंसर? फर्स्ट देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v। द रोल ऑफ ए हिल टू मैक्सिमम हाइट h, ठीक है, मैक्सिमम हाइट h इतना दिया है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी h हाइट पे? क्या करते हैं? एनर्जी का जर्व m g h इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। h की वैल्यू हमें दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा m g h, कितना दिया है 5 v स्क्वायर / 6 g, g से g कैंसिल, इस पर टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। हमसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछ रहा है बॉडी का, ठीक है। इसको इस साइड लेके आए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 m v स्क्वायर / 6 माइनस, इसको इस साइड लेके आए तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कॉमन क्या हो जाएगा 6, कॉमन क्या हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करने के बाद 6 कॉमन हो गया, तो इधर कितना हो गया 5 m v स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 3 m v स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, ये हमारा बच जाएगा, इधर कर लेते हैं 2 m v स्क्वायर / 6 इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 3 2 by 3 m v स्क्वायर इज इक्वल टू i, और ओमेगा क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर / r स्क्वायर, v स्क्वायर / r स्क्वायर, v से v स्क्वायर कैंसिल, इधर ये इस साइड चला जाएगा तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 by 3 m r स्क्वायर के बराबर, 2 by 3 m r स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर है? सेकंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, अब बात की ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स बिकम, एनर्जी स्टोर क्या होगा, यू स्क्वायर टू क्या आ जाएगा 1 बाय 2 क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी हमारा डायलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर डायरेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक मिलाएंगे तो कैपेसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। सी इक्वल टू क्या होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर, ठीक है। अगर हम डायलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी के टाइम्स सी डैश के, जब डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो यू किस पे डिपेंड कर गया 1 बाई के पे, ठीक है। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर जाएगा 1 बाई के पे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड देख लो। नेक्स्ट, इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी, इतना हमें दिया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जेड, ठीक, कैलकुलेट जेड का मैक्सिमम परसेंटेज एरर करना है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, इसका हो जाएगा कोफिशियंट 2 इंटू इसका परसेंट, कितना दिया है 2 प्लस इसका कोफिशियंट 1 बाई 2 इंटू इसका परसेंट, कितना दिया है 1 प्लस इसका कोफिशियंट 1 बाई 2 इंटू इसका परसेंट, कितना दिया है 3 प्लस
इसका कोफिशियंट 1/4, कितना इसका दिया है परसेंट 2, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 4 + 0.5 + 3/2 मतलब 1.5 + 2/4 का मतलब हो गया हमारा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो गया 2 और 4 6.5 के बराबर, इतना परसेंट के बराबर 6.5, कौन सा आंसर हो जाएगा 4। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को, नेक्स्ट 2 mole of an ideal gas undergo an isothermal expansion at 500 Kelvin. Its volume change from 3 liter to इतना. How much heat nearly is added? ठीक है. Work done क्या होता है? 2.303 nRT log V2 upon V1 के बराबर. ठीक है. Value रखते हैं 2.303 into N कितना दिया है 2 मोल इनटू R 8.3 इनटू 500 log 10/3, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको करें तो 4, ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 3 × 6 और 2 × 4 इतना इनटू 8.3 इनटू 500, ठीक है, लॉग हो जाएगी 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू 1 − 0.477, ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 10.1 किलो जूल के बराबर, 10.1 10 के आसपास आएगा हमारा, तो क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट एन एयर बबल इज ग्लास विथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 इन इतना सेंटीमीटर डीप व्हेन द व्यू नियर टू नॉर्मल इंसिडेंस वन सरफेस इतना सेंटीमीटर डीप व्यू एंड फ्रॉम द अपोजिट फेस द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये हमारी एक स्लैब है, ठीक है, इसकी थिकनेस है टी, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से अगर हम x मानते हैं डिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t − x के बराबर, ठीक है, तो हमारे क्या होता है μ = रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ के बराबर, तो रियल डेप्थ इसके लिए रियल डेप्थ = कितना है, रियल डेप्थ = कितना हो जाएगा μ × अपरेंट डेप्थ, x = एक फेस से कितना है डिस्टेंस पे 3 पे म्यू कितना है 1.6 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 के बराबर, ठीक है 4.8, फिर इसके लिए निकाला जाए, इसके लिए कितना हो जाएगा रियल डेप्थ t − x = म्यू कितना है 1.6 × अपरेंट डेप्थ कितना है 7, तो ये हो जाएगा 11.2 के बराबर, ठीक है, तो हमें थिकनेस ही पूछ रहा है, तो यहां t = कितना हो जाएगा t = हो जाएगा 11.2 प्लस x, x को इधर लेंगे तो प्लस x, x की वैल्यू कितनी आई है 4.8, तो ये कितना आ जाएगा 16 cm के बराबर, तो टोटल थिकनेस इसकी कितनी हो जाएगी 16 cm के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा 4, देख लो, नेक्स्ट ए स्टील रॉड 2 meter लॉन्ग हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना हैंग्स फ्रॉम 1 end थ्रू ए सपोर्ट, इतना केजी मशीन इज हैंग फ्रॉम इट्स अदर एंड व्हाट इज द रिजल्टिंग इलोंगेशन, ठीक है, हमसे डेल्टा एल पूछ रहा है इलोंगेशन, ठीक,
यंग मॉडल्स हमें दिया है डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा एफ बाई ए इंटू एल अपॉन वाई के बराबर। फोर्थ मास कितना दिया है 550 इंटू जी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इतना इंटू लेंथ 2 अपॉन एरिया 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यंग मॉडुलस कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 11 2 से 2 कैंसिल ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको ऊपर लेते जाएं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 10 तो ये हो गया 55 इंटू 10 की पावर 3 और ये माइनस 4 ऊपर जाके 10 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 11 ठीक है, ये हमारा होगा। तो ये 7 और 4 4 और 3 7 इसको 7 को डिवाइड करेंगे यहां क्या बचेगा 4 ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई 3 ये 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं ठीक है, ये 4 है तो 4 है एक 10 नीचे रख रहे हैं 10 की पावर माइनस 3 ऊपर ले जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.5/3 तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा 5.5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 अतिरिक्त 24 कितना mm के बराबर 1.8 mm के बराबर कितना हमारा इलोंगेशन होगा देख लो फॉर्मूले पे है। नेक्स्ट एसर्शन इन y इज इक्वल टू ये हमें दिया है कर रहा है ये इज डायमेंशनलेस ठीक है, ये हमारा क्या है एंगल है ठीक है, एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस तो एसर्शन क्या है ट्रू। रीजन कर रहा है बिकॉज डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू m 0 l 0 t पे 1 ठीक है, तो यहां से ओमेगा की डायमेंशन क्या हो जाएगी ओमेगा t इज इक्वल टू डायमेंशनलेस m 0 l 0 ठीक है t 0 ओमेगा इज इक्वल टू इधर डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 1/t ऊपर जाके t पे माइनस 1 ठीक, ओमेगा कितना हो जाएगा t पे माइनस 1 जबकि यहां क्या कर रहा है t पे 1 तो ये क्या है हमारा रीजन फॉल्स assertion क्या है ट्रू, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स आंसर कौन सा आ जाएगा थर्ड देख लो। नेक्स्ट द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड इतना लैम्डा इज ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन mb m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इनटू 10 की पावर माइनस 31 इनटू mv वेलोसिटी कितनी दी गई है 5.4 इनटू 10 की पावर 5 ठीक है, फिर कह रहा है एंड फॉर बॉल ऑफ मास इतना ग्राम ट्रेवल विद वेलोसिटी इतना डीवी तो इसका लिखते हैं डेल्टा बी डीवी इज इक्वल टू एच अपॉन मास कितना दिया है इतना केजी में 0.15 इनटू वेलोसिटी कितनी है 30 दोनों का क्या करते हैं रेशियो ले लें ये एच से एच कैंसिल ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ये 15 / 45 10 गया 4.5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 5.4 इंटू 10 की पावर 5 ये 10 की पावर इससे जाएगा तो 26 बचेगा 10 की पावर माइनस 26 है माइनस 26 ये ऊपर चला जाएगा प्लस 26 तो ये हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा बी बहुत बड़ा होगा किससे 1 से बहुत बड़ा 1 से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन 9 इंटू 5.4 ठीक है, इसको डिवाइड करें तो ये बहुत 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 बड़ा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा बी के बराबर।
ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी, 10^25 के आसपास। तो आंसर कौन सा आ जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, व्हाइल अनदर कार इतना मीटर बिहाइंड इट स्टार्ट सेम टाइम फ्रॉम रेस्ट से। ये कार एक है, ठीक है, ये दूसरी, ये कितने मीटर बिहाइंड है, 150 मीटर, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम टू कार्स आर मीट, ठीक है, दोनों कार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है, हम मान ले रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी, हम मान रहे हैं कि इससे पहले वाले से डी डिस्टेंस पर मिल रहे हैं, तो ये कितना मूव किया होगा, 150 + d, ठीक है, तो दोनों के डिस्टेंस क्या कर देते हैं बराबर, पहले के लिए d निकाले तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेस्ट से 0 + ½ a, a कितना है 2 t² ये कैंसिल, ठीक है, यहां से हमें d की वैल्यू मिल गई, d इज इक्वल टू कितना आ गया, d इज इक्वल टू आ गया t² के बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, 150 + d, 150 + d = ½ a, a की वैल्यू कितनी है 3 और t² के बराबर, इसको डिवाइड करें 1.5, d की जगह पे क्या रख सकते हैं t², तो 150 + t² = 1.5 t² के बराबर, इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 150 t² 1/2 के बराबर, 0.5 का मतलब क्या हो गया 1/2, इसको इधर ले जाए तो t² = 300, तो t² कितना आ जाएगा √300 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट इन द सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ये क्या है बैलेंस, इधर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 सीरीज में हो तो इनका कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1 2 2 का, और पैरेलल में है 1 1 कितना हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 2। इसमें क्या होता है सीरीज में 1/C = 1/C1 + 1/C2, यहां से हम रख भी देंगे तो भी देख लो 1/2 + 1/2 ये कितना आ जाएगा 2, कॉमन करें 2, 1 के बराबर, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1, इसके लिए वैसे इसके लिए C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1, और दोनों क्या कर देंगे पैरेलल में, तो C नेट कितना आ जाएगा 1 + 1 2 के बराबर। नेक्स्ट एक कार आप पास इतना केजी इस इतना के इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड इतना एस शोन इन फिगर, ठीक है, इतना केजी होगा, ठीक है, इतना केजी, ठीक, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कार, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर L = mvr के बराबर, ठीक है, और इसमें r क्या होता है परपेंडिकुलर, r या मोमेंटम का कंपोनेंट क्या होता है परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम, ठीक, ओरिजिन के अबाउट, ये ओरिजिन के अबाउट, तो यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट ₹50 ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्ट, पूरी पूरी आइस मेल्ट हो जाए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड की इतनी दी गई है व्हाइल द वाटर इज इतना एंड 4.2, स्पेसिफिक हीट फ्यूजन कितना दिया गया आइस का 360, ठीक है, तो हमें क्या करना है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन के बराबर, हीट
लॉस इज इक्वल टू हीट गेन के बराबर, ठीक है। अगर इसके लिए लिखा जाए तो एम एम वन एस वन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस प्लस एम एस डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। इसके लिए लिखे तो ये कितना आ जाएगा, 300 इंटू एस कितना दिया है इसका 2.65 इंटू 30 माइनस टी इज इक्वल टू, इसके लिए मास कितना दिया है 50 ग्राम इंटू एस कितना दिया है 336 प्लस ये कितना है 50 इंटू एस कितना हो जाएगा 4.2 और ये हमारा कितना हो जाएगा टी के बराबर, टी माइनस जीरो, ठीक है, टी माइनस जीरो के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो यहां गया, ये कैंसिल, ये हो गया 5 3 15 तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 265 × 30 माइनस ये हो जाएगा 3 × 265 टी के बराबर, ये माइनस, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 6 × 35 0 1 0 6 × 35 और 5 3 15 3 18 5 3 15 और 1 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाए तो ये जीरो कैंसिल, 5 × 2 10 और ये कितना हो जाएगा 4 × 5 20 4 × 5 20 1 21 टी के बराबर, टी एक साइड कर लें, इसको ले आए इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 390 × 265 − 16800 इज इक्वल टू इस साइड इसको लेके आए तो ये हमारा हो जाएगा 210 टी प्लस 3 × 265 टी के बराबर, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने पे टी हमारा आ जाएगा टी इज इक्वल टू 7.01 के बराबर, कितना आ जाएगा 7.01 के बराबर आंसर, ओके देख लो। नेक्स्ट टू बार मैग्नेट आर प्लेस वन ओवर अदर सच मैग्नेट्स दैट देयर मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर आर अपोजिट, ठीक है। ये दो मैग्नेट है, ये साउथ से नॉर्थ, तो ये साउथ से नॉर्थ अंदर कहां चलती है, ये मान लो M1 साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ M2, ठीक है, M1 M2 द मैग्नेट, देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका नेट क्या होगा, नेट M नेट दोनों के डिफरेंस के बराबर, M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1, इसी के ये दोनों डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड देख लो। नेक्स्ट चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये लेंथ L होगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, नोट N इन द नंबर ऑफ डेंसिटी इतना हो रहा है। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है N E V N N V D A के बराबर, तो V D इक्वल टू कितना हो जाएगा, V D इक्वल टू I अपॉन N E A के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ देख लो। नेक्स्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट फ्रॉम द टू स्लिट द पॉइंट स्क्रीन करेस्पॉन्डिंग टू 6 मिनिमा, ठीक, पाथ डिफरेंस हमसे पाथ डिफरेंस पूछा है 6 मिनिमा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 2n-1
लैम्डा बाई 2 के बराबर, ठीक है। एन की जगह क्या रखेंगे, 6, तो ये हो जाएगा 2 × 6 − 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। 6 × 12 में से एक गया, 11 लैम्डा बाई 2 के बराबर, कितना आ जाएगा 11 लैम्डा बाई 2 के बराबर आंसर हो। देख लो नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये हमें दिया है, V = V0 sin ωt इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर द करंट, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, ठीक है, मतलब करंट और वोल्टेज का सेम मतलब एक ही फेज में होंगे, मतलब यहां हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, सेम फेज में होंगे। लेकिन प्योर कैपेसिटी में हमारा क्या होता है, करंट लीड करता है किससे, करंट लीड करता है पोटेंशियल से, कितने से, 90 से, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत, करंट आई लीड विथ वोल्टेज बाई 180 से नहीं करता है, 90 से करता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग, करंट लैग नहीं करता है, लीड करता है, ठीक है, ये भी लैग नहीं करता है, लीड करता है वोल्टेज से, कितना है 90 से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। ओवर फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स से कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, तो आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हमारा होता है हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, हीलियम 2 HE4, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 2, और 2 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, करा इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम द टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इतना एंड इतना, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 + a2 का स्क्वायर अपॉन मिनिमम आई मिनिमम a1 − a2 का स्क्वायर, ठीक है, इनका क्या है, रेशियो लेना है, ठीक है, a1 + a2 मतलब 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 upon 5 − 3 = 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16:1 के बराबर, इंटेंसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 16:1 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा 3rd, देख लो। नेक्स्ट, द करेक्ट मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है इंटीग्रल E·dA = Q·enclosed upon ε0 के बराबर, कौन सा आंसर है 2nd। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन फॉर अल्फा डीके इतना, ठीक है, अल्फा डीके का मतलब क्या हो गया, अल्फा डीके कर रहा है, तो अल्फा जब डीके करता है तो मास नंबर कितने से डिक्रीज होता है, 4 से, और एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज होता है, 2 से, तो देख लेते हैं मास नंबर ये है, जब अल्फा डीके होगा तो इसका मास नंबर क्या रहेगा, Rn 4 से डिक्रीज करेगा 22, और ये कितना हो जाएगा 8 6 के बराबर +2 HE4, ये हमारा हो जाएगा, कौन सा आंसर है 2nd, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है यंग मॉडुलस ऑफ वायर लेंथ इतना रेडियस इतना इज वाइड, इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू L/2 रेडियस R/2 देन द यंग मॉडुलस विल बी, ठीक है,
यंग मॉडुलस क्या होगा, यंग मॉडुलस वाई के बराबर ही होगा, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इनकी लेंथ और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जितना पहले था उतना ही अब भी होगा। आंसर सेकंड। नेक्स्ट कर ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज इंक्लाइनेशन थीटा, द होल सिस्टम एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली, ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है ऑफ द वेज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, वेज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लॉक पर, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइन ब्लॉक हो गया। ये इंक्लाइन ब्लॉक स्मॉल m, ये कैपिटल m मान लो, ठीक है। ये थीटा पे है, ठीक है, थीटा पे है। इसको a एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो इस पे सीडो फोर्स कहां लगेगा, m है पीछे की तरफ, ठीक है। इसका mg नीचे, ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक mg साइन थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा थीटा, तो ये क्या आ जाएगा ma cos थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा ma साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और ये वेज इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा हो जाएगा n इक्वल टू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। अगर हमें यहां से एक्सेलरेशन मिल जाए, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की जगह पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारा कितना वेज फोर्स लगा रहा है इस पे पता चल जाएगा। तो यहां से हमें क्लू दिया है, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है, इधर का फोर्स इधर के बराबर हो जाएगा, तो इधर रखते हैं, इधर का फोर्स कितना है mg sin theta is equal to ma cos theta के बराबर, m से m कैंसिल, तो a is equal to कितना आ गया, a is equal to हमारा आ गया g sin theta upon cos theta के बराबर, ये रिप्लेस a की जगह पर कर दे रहा है, तो n is equal to कितना हो जाएगा, n is equal to हो जाएगा m g sin theta और sin theta sin square theta अपॉन कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर। यहां से एम जी कॉमन करें, एम जी कॉमन कर लें एम जी, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, एलसीएम ले ले यहां से कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम जी, सॉरी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर, तो एन स्क्वायर टू कितना हो गया, एन स्क्वायर टू हमारा बच गया एम जी अपॉन कॉस थीटा के बराबर, कितना बच गया एम जी अपॉन कॉस थीटा के बराबर, ये कॉस थीटा है, ठीक है, ये कॉस थीटा, ठीक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर देख लो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।